हेलो दोस्तों, मैं गौरव जिंदल आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश विद जिंदल सर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जॉन मिल्टन की पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम के बारे में पढ़ा था, जिसमें सबसे पहले हमने बताया था कि इस पोएम का जो टाइटल है, क्या टाइटल है इसका जिसको हम पढ़ रहे हैं, जो टाइटल क्या है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये जो टाइटल है, ये बिशप, एक बिशप था जिसका नाम था क्या, न्यूटन। उसने 1773 में ये टाइटल दिया। लेकिन दोस्तों, जब ये पोएम पब्लिश हुई थी, कब हुई थी ये, 1673 में जब ये पोएम पब्लिश हुई थी, उस समय इसका जो टाइटल था वो दिया हुआ था, सॉनेट 19। जब पब्लिश हुई थी 1673 में, तो इसका टाइटल क्या दिया था, सॉनेट 19। इसके बाद हमने दोस्तों पढ़ा था इस पोएम से जुड़ी हुई एक बिब्लिकल स्टोरी के बारे में। आपको याद होगा, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने मैथ्यू 25 से संबंधित एक स्टोरी पढ़ी थी। ये एक लॉर्ड था जिसके 3 सर्वेंट थे, आपको याद आया होगा दोस्तों। और इसमें हमने पढ़ा था बैग्स ऑफ गोल्ड और टैलेंट के बारे में। हमने इसमें 3 सर्वेंट थे उनके बारे में पढ़ा था, बैग्स ऑफ गोल्ड के बारे में पढ़ा था और टैलेंट के बारे में पढ़ा था। इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था कि ये जो पोएम है, ये क्या है, एक पेट्रार्कन सोनेट है। और पेट्रार्कन सोनेट के बारे में पढ़ा था कि ये जो ये सोनेट जो है, ये थॉमस विट ने इंट्रोड्यूस की थी और मिल्टन ने इसको क्या किया था बाद में, और अधिक डेवलप किया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमने इस पोएम की राइम स्कीम के बारे में पढ़ा था। राइम स्कीम मैंने बताया था दोस्तों कि जो पेट्रार्कन सोनेट होती है, इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ऑक्टेव और एक होता है सेक्स्टेट, जिनमें ऑक्टेव में 8 लाइन होती हैं और सेक्स्टेट में 6 लाइन होती हैं। टोटल 14 लाइन की ये पोएम होती है। राइम स्कीम जो ऑक्टेव पार्ट है उसकी होती है ए बी बी ए, और जो सेक्स्टेट पार्ट है इसमें मैंने 3 वेरिएशन बताए थे। वो 3 वेरिएशन कौन कौन से थे दोस्तों, पहला था सी डी ई, दूसरा था सी डी सी, और तीसरा था सी डी सी डी। ये 3 वेरिएशन हमने इस पॉइंट में, पेट्रार्कन सोनेट में पढ़ने को मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने बात की थी किसकी, इस पॉइंट में एक बात की थी हमने सेजुरा एंड बोल्टा की, कि सेजुरा क्या होता है और बोल्टा क्या होता है। सेजुरा के बारे में बात की थी, ये क्या होता है, एक मार्क या पॉज होता है, और ये बोल्टा जो होता है, ये होता है चेंज ऑफ थॉट। ये हमने पढ़ा था दोस्तों अब तक। इसके बाद हमने एक चीज़ पढ़ी थी, वो थी कि ये पोएम जो है वो लिखी गई है किस में, आयम्बिक पेंटामीटर में। ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, और मैंने बताया था कि आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है। आयम्ब जो होता है वो फीट होता है, और एक फीट में 2 क्या होते हैं, सिलेबल होते हैं। और पेंटामीटर जो होता है, आयम्बिक पेंटामीटर, इसमें टोटल कितने सिलेबल होते हैं, 10 सिलेबल होते हैं। और आयम्ब वाला जो वेरिएशन होता है, इसमें फर्स्ट होता है अनस्ट्रेस्ड और दूसरा होता है स्ट्रेस। ये 2 प्रकार के सिलेबल इसमें पाए जाते हैं। ऐसी पोएम को क्या कहते हैं, आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम का लाइन बाय लाइन कंप्लीट एनालिसिस। एक एक शब्द का हमें अर्थ जानना है, उससे जुड़े हुए हमें फिगर ऑफ स्पीच को जानना है कि इसमें ये फिगर ऑफ स्पीच है, ताकि हमें इस पोएम का एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए, और किसी भी एग्ज़ाम में हम इस पोएम से संबंधित एक एक प्रश्न को सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि हम
पूरी तरह से इसको समझ सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम इस पोइम को पढ़ना। तो दोस्तों शुरू करते हैं, पहली लाइन, when I consider how my light is spent। सबसे पहले हम बात करते हैं इस पोएम में आए वो शब्द आई, जो आई है ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन यानी कि ये यूज किया है मिल्टन ने खुद के लिए, और ये जो पोएम क्या कहलाएगी फिर, ऑटो बायोग्राफिकल पोएम। ठीक है दोस्तों, दूसरा बात आती है कि ये जो पोएम है ये रिलीजियस पोएम मानी जाती है, क्योंकि इसमें मिल्टन खुद को भगवान का एक दास मानकर चलता है, एक भक्त मानकर के चलता है, और उससे क्वेश्चन करता है, इसलिए इस पोएम को रिलीजियस भी माना गया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं, व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट, लाइट लाइट का मतलब होता है, लाइट जो वर्ड है यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है आई साइट के लिए, लाइट का जो प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया, आई साइट के लिए, आई साइट आँखों की रोशनी के लिए, और इसमें प्रयोग किया गया है फिगर ऑफ स्पीच, वो है मेटाफर, मेटाफर का इसमें प्रयोग किया गया है कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट, कि जब मैंने सोचा कि किस प्रकार मेरी आँखों की रोशनी चली गई। एरा जो है इसका मतलब होता है बिफोर, ये जो शब्द है इसका पूरा मतलब क्या होता है, बिफोर, बिफोर हाफ माई डेज, हाफ माई डेज, डेज डेज जो वर्ड है ये इस किसके लिए आया है, ये एज के लिए, कि जो मिल्टन कह रहा है कि मेरी जो हाफ एज है, यानी कि वो ब्लाइंड होता है, कब होता है ब्लाइंड, एज ऑफ 44। और दोस्तों हम जानते हैं कि उस जमाने में एक व्यक्ति की मिनिमम एज 100 साल मानी जाती थी, कम से कम 100 साल उसकी एज मानी जाती थी। तो मिल्टन कह रहा है कि बिफोर माय हाफ डेज, कि मेरी जो आधी उम्र है उससे पहले ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। तो दोस्तों ये जो शब्द है डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस शब्द में ये वर्ल्ड और वाइड इन दोनों शब्दों में हुआ है क्या, इन्वर्जन हुआ है, इन दोनों शब्दों में क्या हुआ है, इन्वर्जन हुआ है। इन्वर्जन का मतलब होता है एक शब्द को दूसरे शब्द की जगह स्थान पर प्रयोग करना। डार्क हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, वर्ल्ड हमारा नाउन है, और वाइड क्या है, एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव, दोनों एडजेक्टिव जो है ये एंड से जुड़ेंगे, और ये वर्ल्ड क्या है, अलग शब्द है, डार्क एंड वाइड वर्ल्ड। तो मिल्टन कह रहा है कि मैं इस अंधेरे से भरे और इसने विशाल संसार में मेरी जो आँखों की रोशनी है मेरे आधी उम्र में चली गई है, एंड दैट वन टैलेंट। अब बात आती है शब्द की, कि जो टैलेंट वर्ड है, टैलेंट वर्ड के बारे में हमने दोस्तों पढ़ा था कि इसमें एक तो हम फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं, वो फिगर ऑफ स्पीच है पन, पन का मतलब होता है एक ही शब्द के दो मीनिंग होना, एक ही शब्द के दो मीनिंग होना क्या कहलाता है, पन। यहाँ पर हम जो टैलेंट की बात कर रहे हैं, पहला अगर हम मिल्टन के टैलेंट की बात करें तो उसके अंदर टैलेंट क्या है, राइटिंग ऑफ पोएट्री, यानी कि पोएट्री लिखने का उसमें टैलेंट है। और दूसरा जो इसमें हम बात करते हैं, वही बात करते हैं हम मैथ्यू 25 की जो स्टोरी थी, जिसमें वो गोल्ड बैग्स थे, उनको क्या कहा गया है, टैलेंट कहा गया है, अर्थात दूसरी भाषा हम कहें तो क्या कह सकते हैं इसको, ट्रेड यानी व्यापार के लिए यूज में लिया गया, कि एंड डेट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, कि जो एक टैलेंट है, जो एक कला है, जो प्रतिभा है, जो मेरे अंदर हुनर है, विच इज डेथ टू हाइड, जो कि छुपा रहेगा, दैट टू हाइड छुपा रहेगा मेरी मृत्यु तक, यानी कि जो टैलेंट मुझे भगवान के द्वारा दिया गया है, जो मेरे अंदर हुनर है, वो मृत्यु तक मेरे अंदर छुपा रहेगा, अर्थात वो मेरे लिए मृत्यु के समान होगा। लॉज्ड विद मी यूजलेस, लॉज का मतलब होता है बुरीड, यानी कि दफन रहेगा, विद मी मेरे ही अंदर, यूजलेस अनुपयोगी यानी कि बेकार मेरे अंदर ही पड़ा रहेगा, क्योंकि अब मैं उस टैलेंट का प्रयोग नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो मेरे अंदर ही पड़ा रहेगा। दो माई सोल मोर बेंट, लेकिन
जो मेरी सोल है, मेरी जो अंतरात्मा है, जो मेरा मन है, मोर बैंड, बैंड का मतलब है एगर, एगर का मतलब उत्सुक है, झुकी हुई है, यानी कार्य करने को आतुर है। क्या कार्य? टू सर्व देयर विद माई मेकर। सर्व का मतलब सेवा करने के लिए, विद माई मेकर, मेकर का मतलब क्या होता है, मेकर जो है ये यूज किया गया है गॉड के लिए, यानी कि जो बनाने वाला है भगवान, उसके लिए मेरा जो, मेरी जो आत्मा है, मेरा जो मन है, वो क्या है, उत्सुक है, भरा हुआ पड़ा है उसकी सेवा करने के लिए। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मेरा जो वास्तविक लेखा जोखा है, मेरे जो कार्य हैं, उनको मैं उसके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, यानी कि मैं भगवान के द्वारा दिया हुआ जो हुनर है उसको प्रयोग करके, उसका अच्छे से इस जीवन में काम में लेकर के भगवान को मैं सर्व करना चाहता हूँ, उसकी सेवा करना चाहता हूँ, ताकि जो मेरा अकाउंट है, यानी कि जो मेरा खाता है, जो भगवान के पास मेरा खाता है, वो बिल्कुल क्लियर रहे, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। लेफ्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, नहीं तो क्या होगा, जब मेरा भगवान से सामना होगा, तो चाइल्ड का मतलब होता है स्कॉल्ड, यानी कि डांटना, फटकारना, कि अगर ऐसा नहीं किया मैंने तो भगवान मुझे डांटेंगे, मुझसे लड़ेंगे, जिस प्रकार मैथ्यू 25 स्टोरी में लॉर्ड तीसरे सर्वेंट से लड़ा था, जब उसने उसके दिए हुए टैलेंट का यूज नहीं किया। उसी प्रकार मिल्टन सोच रहा है कि यदि मैंने भगवान के दिए हुए हुनर का प्रयोग नहीं किया, तो वो भी मुझे उसी प्रकार से डांटेंगे, मुझे खरी खोटी सुनाएंगे। दोस्तों अगली लाइन पर आते हैं। दट का मतलब है डज। गॉड एग्जैक्ट, एग्जैक्ट का मतलब होता है डिमांड, मांगना। डे लेबर, दिन का कार्य। डे लेबर से अर्थ है कि दिन की रोशनी में किया जाने वाला जो कार्य है उसे क्या कहा गया है, डे लेबर। लाइट डिनाइड, लाइट डिनाइड का मतलब, लाइट का मतलब आइट साइड, डिनाइड का मतलब समाप्त हो चुकी हूँ, खत्म हो चुकी हूँ। तो वह क्या कर रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, किससे, गॉड से, यानी कि गॉड से क्वेश्चन कर रहा है एक तरह से, किस प्रकार की, जो गॉड की मर्सी है, मर्सी ऑफ गॉड, उस पर वो क्वेश्चन कर रहा है कि क्या भगवान जो है वो उस व्यक्ति से भी उसके कार्यों का हिसाब मांगते हैं जिसकी आंखों की रोशनी चली गई है, अर्थात जो व्यक्ति कार्य करने में भी सक्षम नहीं है, क्या वो भगवान उससे भी हिसाब किताब मांगते हैं। आई फॉन्डली आस्क, फॉन्डली का मतलब है फूलिशली, यानी कि मूर्खतापूर्व मैंने ये क्वेश्चन पूछा, यानी अपने मन ही मन मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि क्या भगवान उस व्यक्ति से भी उसके लेखा जोखा मांगते हैं, उसके कार्यों का ऐसा मांगते हैं जो उसे करने में सक्षम ना हो या जिसकी आंखों की रोशनी चली गई हो। तो दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ तक जो हमारा पार्ट है, इसमें ये फुल स्टॉप जो है, इसी फुल स्टॉप पर हमारा जो पंक्चुएशन है, जो पॉज है, वो आया हुआ है, और इसी को हम क्या कहते हैं, सिचुरा, क्योंकि यहाँ पर जो था, इस लाइनों में जो थी वो क्या थी, केवल प्रॉब्लम थी, यानी कि मिल्टन अपने ही मन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसके अंधेपन को लेकर के उनको सोच रहा है। अब इससे आने वाली जो लाइनें हैं इनमें जो वो सोच रहा है उससे बिल्कुल विपरीत, उसका बिल्कुल अपोजिट मीनिंग है, उसका बिल्कुल अपोजिट थॉट है, इसलिए इस वाले पॉइंट को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, बोल्टा, यानी कि चेंज ऑफ थॉट। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको एक ही बात कि सिजुरा और जो बोल्टा हैं ये दोनों एक ही जगह पर होते हैं, क्योंकि जहाँ पर सिजुरा होता है उसी के तुरंत बाद ही बोल्टा वहाँ पर शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम बात करते हैं इन लाइनों की। ये हमारी कविता की पहली 8 लाइनें थी, ये 8 लाइन्स जो थी क्या थी, ये ऑक्टेव, और ऑक्टेव जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पैसिमिज्म होता है, यानी कि निराशावादी होना, फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। लेकिन आने वाली जो 6 लाइनें हैं हमारी, इसमें हमें इस प्रॉब्लम का क्या मिलेगा,
सॉल्यूशन मिलेगा, और जहाँ सॉल्यूशन होता है उधर होता है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है? आशावादी होना। तो इन आठ छः लास्ट की छः लाइनों में हम इन आठ लाइनों में जो प्रॉब्लम थी उसका क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ तक मिल्टन बात कर रहा है अपने आप से, अपने ही अंदर वो उलझा हुआ है। अब जब उसने पूछा कि क्या भगवान उससे उसके कार्य का हिसाब मांगेगा, तब उसका पेशेंस यानी कि जो उसका धैर्य है, किसका? मिल्टन का। पेशेंस क्या है? एक फीलिंग है, लेकिन यहाँ पर इसको क्या किया गया है? पर्सोनिफाइड किया गया है, यानी एक ह्यूमन बीइंग की तरह किसी सवाल का जवाब दे रहा है, तो इसलिए इसको क्या किया गया है? पर्सोनिफाइड किया गया है। बट पेशेंस, लेकिन जो मेरा पेशेंस है, मेरा जो धैर्य है टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, दैट मर्मर, मर्मर का मतलब क्या होता है? कंप्लेन, जो मैं कंप्लेन कर रहा हूँ अपने अंदर ही अंदर, जो मैं अपने अंदर सोच रहा हूँ उसको रोकने के लिए मेरा जो पेशेंस है वो सून रिप्लाई, तुरंत ही जवाब देता है। जब मैं ऐसे क्वेश्चंस करता हूँ, जब ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रश्न मैं अपने अंदर कर रहा हूँ, तभी मेरे पेशेंस ने मुझे जवाब देता है, जवाब दिया। क्या कहता है? कि गॉड डज नॉट नीड आइदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, कि जो गॉड है उसे आवश्यकता नहीं है आइदर मैंस वर्क यानी व्यक्ति के कार्यों की, और हिज ओन गिफ्ट्स या फिर उसके स्वयं के दिए हुए उपहारों की, यानी कि जो गॉड गिफ्टेड लोग हैं, जो उन्होंने उनमें प्रतिभा दी है, जो हुनर दिया हुआ है, जो टैलेंट दिया हुआ है, उसकी भी उनको अब आवश्यकता नहीं होती, अर्थात भगवान उसको भी नहीं मांगता है, उसकी भी इच्छा नहीं करता है। Who best bear his mild yoke? दोस्तों ये शब्द है mild yoke, mild का मतलब होता है करुणा से भरा हुआ, और yoke का मतलब होता है डांट फटकार, दर्द, पीड़ा, ये होता है yoke का मतलब। तो mild, एक करुणा भरा दर्द कैसे हो सकता है? तो ये mild yoke जो है, इस शब्द में हमें जो फिगर स्पीच है वो है oxymoron। oxymoron क्या होता है दोस्तों? दो वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग जो होता है वो क्या होता है? अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट। और ऐसे में जो पहला शब्द होता है वो एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, और दूसरा जो शब्द होता है वो नाउन की तरह कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। तो हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड ओक, कि जो बेस्ट बियर, बियर का मतलब सहन करना, सहन करते हैं हिज माइल्ड योग यानी कि अपने दुख दर्दों को, जो लोग अपने दुख दर्दों को, तकलीफ़ों को, अपनी समस्याओं को अच्छे से क्या करते हैं? सहन करते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, वही क्या करते हैं? उस भगवान की सबसे बेहतर सेवा करते हैं, सबसे अच्छी सेवा करते हैं। कौन? जो अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में आए हुए दुखों का सामना करते हैं, उनको सहन करते हैं, वही लोग उस भगवान को अच्छे से क्या करते हैं? सेवा करते हैं, उसकी जो कार्य हैं उनको पूरा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, उसका जो स्टेट है यानी कि उस भगवान का जो किंगडम है, वो राज्य जो है वो कैसा है? किंगली है, बिल्कुल राजाओं के समान है, यानी कि किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, वो पूरी तरह से क्या है? परफेक्ट है, कंप्लीट है, उसे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, थाउजेंड्स यानी कि हजारों लोग एट हिज बिडिंग, बिडिंग का मतलब होता है कमांडिंग यानी कि आज्ञा या आदेश, स्पीड का मतलब गति यानी कि उसकी आज्ञा की जो गति है, जो स्पीड है यानी जितनी जल्दी वो आदेश देते हैं, उसके लिए हजारों लोग खड़े हुए हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, और क्या कर रहे हैं? पोस्ट ओवर यानी कि पार कर रहे हैं लैंड धरती को, एंड ओशियन समुद्र को, विदाउट रेस्ट, बिना किसी आराम के। कि वो लोग क्या कर रहे हैं? पोस्ट ओवर यानी कि पार कर रहे हैं या प्रचार प्रसार कर रहे हैं इस धरती पर, इस समुद्र पर, यानी कि इस पूरी दुनिया का वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं उस एक भगवान की आज्ञा पर, विदाउट रेस्ट, बिना किसी आराम के, बिना रुके। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और अब क्या कह रहा है कि पेशेंस, कि वो लोग भी सेवा करते हैं
हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो केवल क्या हैं, लाइट में खड़े हुए हैं या फिर इंतजार कर रहे हैं, वो लोग भी उसकी अच्छे से सेवा वो लोग भी उसकी पूरी सेवा करते हैं जो केवल क्या हुए हैं, लाइन में खड़े हुए हैं, जो भी किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। ये जो लाइन है दोस्तों, इस लाइन में यूज किया गया है पैराडॉक्स, यानी कि एक ऐसा मीनिंग जिसका कोई अर्थ ना हो, जो बिल्कुल ही एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो, गलत हो, फाल्स हो, उसको हम क्या कहते हैं, पैराडॉक्स। कि वो लोग भी कैसे सेवा कर सकते हैं जो खड़े हैं इंतजार कर रहे हैं, वो कैसे सेवा कर सकते हैं, जो कोई काम करेगा वही सेवा करेगा। इसलिए इस लाइन में किसका प्रयोग किया गया है, पैराडॉक्स का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों अब इसमें कुछ और एक्स्ट्रा बातें करते हैं, वो एक्स्ट्रा बातें क्या क्या हैं देखते हैं अभी। सबसे पहले तो वर्ल्ड एंड वाइड, इसमें यूज किया गया है एलिट्रेशन, इसमें वर्ल्ड एंड वाइड। दूसरा एलिट्रेशन यूज किया गया है बेस्ट बियर, बेस्ट बियर, इसमें भी क्या किया गया है, एलिट्रेशन का यूज किया गया है। एक शब्द आया था दोस्तों डे लेबर, डे लेबर जो शब्द है ये क्या है, मेटाफर है। क्यों, क्योंकि ये सर्विस डेट कैन बी डन इन डेज लाइफ, एक मेटाफोरिक सिंबल है ये कि डे लेबर दिन का कार्य है। लेबर जो होता है वो दिन में किया जाता है नॉर्मली, लेकिन इसमें फिर क्या है, मेटाफर की तरह यूज किया गया है। इसके अलावा पेशेंस के बारे में मैंने आपको बताया, पेशेंस को पर्सोनिफाई किया गया है। बेस्ट बियर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद दोस्तों आता है क्या, माइल्ड योक, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। माइल्ड योक में क्या था, ऑक्सीमोरन था, ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ हमारी अंतिम जो लाइन थी उसमें यूज किया गया था पैराडॉक्स का। तो ये बस इस लाइन कंप्लीट पोएम हो चुकी है, इसमें एक एक लाइन का एनालिसिस हो चुका है। फिर भी आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप इसमें कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। और दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। और इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त लूँगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।